कंधे पर भारी अनाज की बोरियां उठाकर कारखाने से बाहर ट्रक में लाकर रखता जा रहा था। इरफान सेहत से काफी दुबला पतला कमजोर था। शाम तक कई सारी बोरियां रखने के बाद इरफान कारखाने के मालिक से 200 रुपए अपनी रोज की तनख्वाह लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं दो वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाता। या अल्लाह, कब हमारी जिंदगी से ये गरीबी परेशानियां दूर होगी। तभी इरफान गांव में अपने छोटे से एक कमरे के घर में जाता है, जहां उसकी बीवी आशिया और दो छोटे बच्चे अबूजर और अमरीन थी। इरफान अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी की हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। बच्चो, आज तुम दोनों स्कूल नहीं गए? दोनों बच्चे मुंह उधर करके खामोश बैठे रहे। क्या हुआ बच्चो? खफा है ये आपसे, नाराज है काफी। नाराज? किस बात की नाराजगी बच्चों? जी, आज हमारे घर सलीम भाई साहब का बेटा शाकिर आया था। शाकिर के अब्बू ने उसे ईद के काफी सारे नए कपड़े साजो सामान खरीद कर दिए हैं। बस उन्हीं सामान और कपड़ों को देखकर ये दोनों जिद पकड़े बैठे हैं कि इन्हें भी ईद के लिए नए कपड़े चाहिए। अच्छा, तो ये मसला है। अबू सर, अमरीन, बच्चो, अभी दो दिन के बाद रमजान शुरू हो रहा है और ईद को अभी काफी वक्त बाकी है। हम बाद में अच्छे से खरीदी करेंगे ना ईदी की? अब्बू जी, आप हर वक्त यही बात कहते हो और जब ईद का दिन आता है तो आप पैसे ना होने की बात कहकर हमें कुछ भी खरीद कर नहीं देते हो और फिर हमें अपने पुराने कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। पर इस बार ऐसा नहीं होगा बच्चों, इस बार मैं पैसे जमा करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोनों बच्चे घर के आंगन में जाकर बैठ जाते हैं। जी, हम हर बार बच्चों को ईद पर कुछ खरीद कर ही नहीं देते। बाकी बच्चों की तरह हमारे बच्चों के भी मन में अरमान आते होंगे कि वो भी ईद पर नए कपड़े पहने, खुशियां मनाएं। मैं भी यही चाहता हूं आसिया, कि हमारे बच्चे खुश रहें, पर हमारी ये हालत है कि हम अपने बच्चों की किसी भी खुशी को पूरा नहीं कर पाते। अपनी गरीबी की हालत को देखकर इरफान आसिया काफी दुखी हो जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरते चले गए। रमजान का महीना शुरू हो चुका था। इरफान आसिया रोजे की हालत में काम करते हैं। इरफान रोजे में कड़ी धूप में कारखाने में मजदूरी करता है और आसिया रोजे में घर के काम करती है, नमाज पढ़ती है, तिलावत करती है। एक दिन दोपहर में आसिया घर में मिट्टी के चूल्हे पर अपने बच्चों के लिए रोटियां बना रही थी। आसिया का रोजा था। या अल्लाह, इस चूल्हे की आग कितनी गर्म लग रही है कि इसके पास तो बैठा भी नहीं जा रहा और मेरे शौहर इतनी धूप में रोजे की हालत में कारखाने में काम कर रहे हैं। या अल्लाह, मेरे शौहर को हिफाजत अता फरमा, उन्हें हर तकलीफ, हर परेशानी, मुसीबत, बला वक्तों से बचा। मेरे शौहर हमारे लिए कितनी मेहनत मुशक्कत का काम कर रहे हैं। बहरहाल इसी तरह दिन गुजरते चले गए। रमजान के 20 रोजे पूरे हो चुके थे। अब ईद को सिर्फ 10 दिन बाकी थे, पर अब तक इरफान पैसे जमा नहीं कर पाया था क्योंकि रोज जो उसकी कमाई हो रही थी वो उनकी रोजमर्रा की जरूरतों में खर्च होने लगी थी। एक शाम इरफान अपने कारखाने से घर आ रहा था, तभी बीच रास्ते में उसे अपने गांव का अल्ताफ मिलता है। अस्सलाम वालेकुम इरफान मियां। वालेकुम अस्सलाम जनाब अल्ताफ मियां, खैरियत? जी मियां, अल्लाह का करम है, पर आप खैरियत से नहीं लग रहे हो, कोई मसला है क्या? क्या बताऊं मियां, रोजे की हालत में भी इतना कठिन काम करना पड़ रहा है और कमाई देखो इतनी कम। अब ईद को केवल 10 दिन बाकी है, बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं, घर का साजो सामान लाना है और मेरे पास एक पैसे की भी बचत नहीं हो पा रही है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही मसला तो मेरे साथ भी हो रहा है इरफान मियां, कमाई देखो इतनी कम और बचत एक पैसे की भी नहीं। इसलिए मैं कल शहर अपने दोस्त जावेद के पास जा रहा हूँ। जावेद बता रहा था शहर में जिस कारखाने में वो काम करता है वहाँ उसे रोज काम करने के 700 रुपए मिलते हैं, तो मैंने सोचा मैं ईद तक वहाँ जाकर काम करता हूँ और जो कमाई होगी उसमें ईद की खरीदी कर लूंगा। खरीदी तो मुझे भी करनी है ईद की और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो क्यों ना मैं भी अल्ताफ मियां के साथ शहर काम करने चला जाऊं। वहां काम करने से ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इस बार मेरे बच्चे अच्छे से खुशी खुशी ईद तो मना पाएंगे। तभी इरफान अपने शहर चलने की बात अल्ताफ से कहकर अपने घर आता है और आसिया को सारी बात बताता है। जी, ईद को 10 दिन बाकी है और आप शहर जाने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ आपके बगैर कैसे रहेंगे? आसिया, रहना तो पड़ेगा ना, सोचो शहर में काम करके जब मुझे 700 रुपए मिलेंगे तो हमारी हालत कितनी जल्दी सुधर जाएगी। हमने अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार ली, पर अब हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल, इनकी खुशियाँ बर्बाद क्यों करें? मेरे शहर में काम करने से हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, अच्छा खाना खा पाएंगे, हम उन्हें अच्छी तालीम दे सकेंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तो बन जाएगा आसिया, और वैसे भी ईद पर तो मैं आऊंगा ना घर। अपने हालात और बच्चों की उदासी देखकर इरफान अपने इस परिवार से दूर जाने की ठान लेता है। अब आसिया भी सारी परेशानी देखकर इरफान को शहर जाने की इजाजत दे देती है। अगले दिन बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए और उनकी खुशियां पूरी हो जाए, इसलिए इरफान शहर में रिजक कमाने के लिए अगले दिन अल्ताफ के साथ शहर की बस में रवाना होकर शहर की